एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबको लेके जाने वाली हूँ डियर पार्क, और वहाँ पे हम जा रहे हैं फर्स्ट टाइम। तो वहाँ पे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं डियर पार्क को, और मैं आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा दे देती हूँ। सो डियर पार्क का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन IIT है, और आप IIT गेट नंबर 1 से बाहर निकल के यहाँ पे आओगे। इस गेट के अंदर से आके फिर आपको सीधा सीधा जाना है, फिर सीधे सीधे में आपको डियर पार्क दिख जाएगा। और इस पार्क का नाम है रोज गार्डन। ये पार्क भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे देखो रोज वगैरह भी है। So let's go. लग रहा है कि हमारे पीछे कोई आ रहा है, मतलब क्योंकि और यहाँ पे ना मोर की भी आवाज आ रही थी, और ये बोल रहा है कि मोर तभी आवाज मतलब बोलता है जब उसको एनाकोंडा आता है। क्या बात करता है यार। और हाँ, हमको ये भी लग रहा था ना कि ऊपर से कुछ गिर रहा है ना। अभी ये पता क्या आवाज सो गाइज, फाइनली हम आ गए डियर पार्क, और हम लोग आए यहाँ से रोज गार्डन से। और अगर आसपास मेट्रो स्टेशन से आ रहे हो तो ऑटो वाले अंकल आपको यहाँ पे छोड़ देंगे। और ये है पार्किंग एरिया, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। कार, बाइक, आप सब कुछ पार्क कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलो चलते हैं डियर पार्क के अंदर। तो हमने फाइनली एंट्री कर ली है, और यहाँ पे आएंगे दो रास्ते, एक जाएगा झील की तरफ और एक जाएगा एनिमल्स की तरफ। तो अभी हम जा रहे हैं एनिमल्स देखने, फिर उसके बाद हम जाएंगे झील की तरफ। एनिमल एरिया के अंदर एंट्री कर रहे थे, यहाँ पे आपको टाइमिंग वगैरह दिख जाएगी, और शुक्रवार को ये बंद है। तो चलो अंदर चलते हैं गाइस। डियर पार्क में डियर ही ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो चलो डियर्स देखने चलते हैं। सो गाइज, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है डियर्स को देखने के लिए। सामने से कितने प्यारे लग रहे हैं, अभी सिंग वाले वो देखो, वो सिंग वाला है। सो गाइस, हमें देखो फर्स्ट टाइम मोर दिखा है सामने से। मैंने बहुत बार देखा। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर चढ़ रहे हैं। ओ देखियो, तेरे से डॉग ना डर जाए गौरव, तेरे से डॉग ही डर जाएगा। वाओ, ये पहाड़ी की तरह लग रहा है, उसके ऊपर से पूरा व्यू दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये पार्क के अंदर यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी एरिया बनाया गया, और बच्चों के साथ ये भी बुड्ढे खेल रहे हैं। ये देखना क्या कर रहे हैं ये दोनों। और यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स भी हैं, सो वो सब मैं इस व्लॉग में कवर करूँगी, तो इस व्लॉग के एंड तक बने रहें। यहाँ से आप एंट्री करके यहाँ पे पहले आपको बच्चों के झूले मिल जाएंगे, फिर यहाँ से, और अभी हम जा रहे हैं वो मॉन्यूमेंट देखने। तो चलो मॉन्यूमेंट को देखते हैं पास से। गाइस, ये है एक मॉन्यूमेंट, और इसका नाम है काली गुमटी, और ये छोटा सा ही है बट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और एक और मॉन्यूमेंट है जो मुझे दिख रहा है वहीं पर, तो चलो उस मॉन्यूमेंट को भी देखने चलते हैं। इस मॉन्यूमेंट का नाम है बागे आलम का गुंबद। ये देखो, ये मॉन्यूमेंट भी अच्छा लग रहा है। ये देखो कि अंदर का व्यू, यहाँ पे हमारी आवाज़ गूंज रही है। गाइस, हमने मॉन्यूमेंट वगैरह देख लिए, और अब हम जा रहे हैं झील की तरफ, और वहाँ पे बत्तख वगैरह भी हैं। वहाँ पे बोटिंग होती है नहीं होती, वहाँ पे चल के हम बताते हैं आपको। सो गाइस, ये है सिटिंग एरिया, यहाँ पे लोग आते हैं पिकनिक वगैरह मनाते हैं, और आपको सामने वहाँ पे दिख जाएगा झील। तो चलो झील के पास चलते हैं। झील के जस्ट सामने यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी। ये देखो, ये लोग कर भी रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये छोटा बच्चा भी एक्सरसाइज कर रहा है। हम लोग आ गए हैं झील के पास, और ये झील देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। वाओ यार, और डक्स वगैरह भी दिख नहीं रहे हैं। अच्छा, आई थिंक वहाँ पे होंगे डक्स वगैरह का एरिया, वो है। लेकिन बत्तख दिख क्यों नहीं रहे? अरे डक्स वगैरह का एरिया वो है, वो बीच वाला। हाँ, वो बीच वाला। किस चीज का? कितना प्यारा लग रहा है ये। अरे डक्स कितने सारे व्हाइट। सो अभी तो यहाँ पे बोटिंग वगैरह नहीं होती है। वो लोग आते हैं डियर पार्क, उन लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे एक फोर्ट भी है, और यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, जैसे कि कबीर सिंह, रॉक स्टार और MS धोनी, इन सब मूवीज़ की शूटिंग हुई है यहाँ पे। सो गाइस, ये झील बनाया है किला। सो गाइस, ये झील बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने 12वीं शताब्दी में। ये झील इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ के लोगों की पानी की कमी पूर्ति करने के लिए। सो गाइस, ये झील बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने 12वीं शताब्दी में, और इस झील का A
A few moments later. So guys, इस झील का निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 12वीं शताब्दी। इस झील का निर्माण इसलिए किया था क्योंकि यहाँ के लोगों को पानी की कमी हो रही थी, इसलिए पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए। और अभी मेरा फेस हो रहा है लाल, तो इसको इग्नोर करना क्योंकि धूप की वजह से हो जाता है, किसी ने मुझे चाटे वाटे नहीं मारे। तो चलो आगे घूमते हैं। तो यहाँ पे MS धोनी मूवी का एक सॉन्ग शूट हुआ था इस जगह पे, कौन तुझे यूँ प्यार करेगा। अगर आपने गाना सुना है तो आप सबको पता ही होगा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा गाना था। गाइस, ये प्लेस फोटोशूट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे देखो फोटोशूट वगैरह भी हो रहे हैं और ये झील देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वहाँ पे देखो एक पेड़ टूटा, वहाँ पे फिर पता नहीं गिद्ध है या चील है, हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या है वो, बट अच्छा लग रहा है। हाँ, पर पता नहीं चल रहा ना कि है क्या। और ये तो डक्स हैं, देखो डक्स कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा बस अबे गिर मत जाइयो, हिल रहा है बिल्कुल वो। अभी हम लोग भी सिटिंग एरिया में बैठे हैं और यहाँ पे भैया डांस वगैरह कर रहे हैं। ये देखो इनके स्टेप्स कितने हार्ड है। सो गाइस, हम दोबारा जा रहे हैं उसी सुनसान रास्ते से घर। और आज का मेरा था डियर पार्क का व्लॉग, आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे वहाँ का हमने व्यू देखा, हमको व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और वहाँ पे फोटोग्राफी व्यू के लिए भी बहुत अच्छा प्लेस है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। सो चैनल पे नए हो तो जाके सब्सक्राइब कर लो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।